उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सागर से गहरा नाता रहा है। उनके पिता महार रेजिमेंट में थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहीं पर हुई थी। इसके साथ ही राजनीतिक जीवन में भी सागर के नेताओं ने उनको काफी मार्गदर्शन दिया, जिसमें बंडा से विधायक रहे हरवंश सिंह राठौर शामिल है। इन्हीं सब यादों को संजोने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सागर आए, तो देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर सागर पहुंचे थे। सीएम धामी महार रेजिमेंट के वार मेमोरियल पहुंचे और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शहीद म्यूजियम का अवलोकन किया और सैनिकों को संबोधित किया। अपने सागर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस शहर की उनके जीवन में काफी अहमियत है, इसलिए वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि वो यहाँ आए। वहीं उनका यह सपना आज जाकर पूरा हुआ है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य के क्षण हैं कि जहाँ मेरा बचपन बीता और मेरे पूज्य पिताजी महार रेजिमेंट में उनकी वो कर्म भूमि रही और मैंने भी यहाँ बचपन में शिक्षा ग्रहण करी है और यहाँ के सभी लोगों से मिलना, क्योंकि मन में बहुत दिनों से इच्छा थी। पिछले साल भी मैं यहाँ आना चाह रहा था, जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरा कार्यक्रम बना था, लेकिन उसी दौरान दुर्घटना में उनका देहांत होने के कारण से वो कार्यक्रम टल गया। इस बार सबके बीच में आकर अभिभूत हूँ। सभी लोगों का बहुत प्रेम और स्नेह यहाँ पर मिला है, मैं सबका आभारी हूँ और इस भूमि को मैं नमन करता हूँ जहाँ से मुझे अनुशासन, शिक्षा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है और इस भूमि से मेरा गहरा लगाव है। यहाँ आकर मेरे बचपन की जो स्मृतियाँ हैं पुनः ताज़ा हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ सागर की सभी गलियों को, सड़कों को, परेड मंदिर से लेकर DNCB स्कूल तक, यहाँ का सप्लाई डिपो से लेकर हमारी ये बाज़ार तक, यहाँ सभी जगह बचपन में मैं आया करता था। आज पुनः सबसे मिलकर अभिभूत हूँ, सबका मैं आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान सागर सांसद राज बहादुर सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित उनके सहपाठी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर सहित सागर के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज सागर।